这个 din din da di di da, di di da 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 da。नमस्कार, कलांगन मुंबई में आप सबका स्वागत है। पिछले 3 क्लास में हमने बात किया था आड़ लय, कुआड़ लय, बियाड़ लय किसे कहते हैं, और थ्योरी में हम देखे थे कि किस तरह से उसको लिखना है। आज हम करेंगे प्रैक्टिकली किस तरह से इसको आप बोल सकते हो या प्रैक्टिस कर सकते हो। तो पहले हम शुरू करेंगे आड़ लय लेके। जिस तरह से हम एक गुण, दो गुण, चौगुण करते हैं, मतलब बराबर होता है एक में एक, उसका डबल करते हैं तो दो गुण, उसका 4 टाइम्स होता है तो चौगुण, वैसे आड़ लय का बराबर हुआ डेढ़ गुण तो उसका डबल 2 टाइम्स होगा 3 गुण, और उसका डबल 4 टाइम्स होगा 6 गुण। तो अगर आप डेढ़ या 3 या 6 जो भी गुण बोलेंगे, ये हो गया आड़ लय। इसी तरह अगर हम कुआड़ लय बोलेंगे तो उसका बराबर होगा सवा गुण, तो उसका दुगुण होगा ढाई, उसका दुगुण मतलब 4 टाइम्स होगा 5। इस तरह से बियाड़ को लेंगे तो बराबर होगा पौने दो गुण, उसका डबल करेंगे तो 3.5 गुण, और 4 टाइम्स करेंगे तो 7 गुण। तो अगर आप डेढ़ या 3 या 6 कोई भी गुण बोलेंगे, इसे कहेंगे आड़ लय। और अगर सवा, ढाई और 5 कोई भी गुण बोलेंगे तो उसे कहेंगे कुवर लय। और पौने 2, 3.5 और 7 कोई भी लय बोलेंगे तो उसे कहेंगे बियर लय। तो जिस तरह से हम लिखने के टाइम बैक कैलकुलेशन करके आ रहे थे, क्योंकि वो थोड़ा आसान होता है कैलकुलेशन करना, इसी तरह अगर इसको भी हम थोड़ा सा बैक कैलकुलेट करके बोले तो बोलना भी थोड़ा आसान होता है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को करके दिखा देती हूँ। जैसे अगर आप बोलेंगे, क्योंकि पहले एकदम से डेढ़ सवा बोलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो पहले क्या करिए, बराबर में आप 3 ले लीजिए, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब इसको बोलना ये रखिए, स्पीड हाथ का बढ़ा दीजिए, जैसे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो ये हो गया आड़ लय। एक तो ये नंबर से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और एक आसान है कि अगर आप इसी छंद का ताल लेंगे, जैसे आड़ लय के लिए अगर आप दादरा ताल लेंगे जो 3-3 है, या एक ताल लेंगे जो 3-3 वाला है, तो ये बोलना थोड़ा आसान है। मैं एक बार बोल के आप लोगों को दिखा देती हूँ। आड़ लय दादरा ताल, धा दी ना धा, ती ना धा, दी ना धा, ती ना धा, दी ना धा, ती ना धा। इस तरह अगर आप कुवाड़ के लिए छपता लेंगे तो बोलना थोड़ा आसान होता है। देना दे देना 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 दे। पर आड़ लय जैसे मैं बराबर 1.5 टाइम्स ही हो रहा है, ये कुवर और बियर उसका दुगुण में हो रहा है। आप थोड़ा और डिटेल में प्रैक्टिस करेंगे तो सवा गुण और पौने दुगुण भी बोल सकते हो, पर वो थोड़ा और मुश्किल है। तो पहले इस तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए,
समझ लीजिए, फिर आसान हो जाएगा। अभी हम बीआर के लिए अगर 7 मात्रा का ताल लेंगे, आप तीव्रा या त्योरा ले सकते हो, आप धमा ले सकते हो जिसका छंद थोड़ा 7-7 का है, तो वो भी मैं एक बार बोल के सुना देती हूँ। मैं 7 मात्रा ले रही हूँ। धा धिन धा ते टे का तग दि, धा धिन धा ते टे का तग दि गे ने, धा धिन धा ते टे का तग दि गे ने, धा धिन धा ते टे का तग दि गे ने, धा धिन धा ते टे का तग दि गे ने, धा धिन धा ते टे का तग दि, धा धिन धा ते टे का तग दि गे ने, धा धिन धा ते टे का तग दि गे ने, धा। क्योंकि इसमें मेन चीज ये है कि आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप समझ गए उसके बाद आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि गलती तो हो सकता है। आप डायरेक्टली अगर आप बोलने जाओगे ना तो गलत हो सकता है, जैसे मेरा भी कभी कभी इधर उधर थोड़ा बहुत तो हो ही रहा है। लेकिन आपको पहले ये समझना है और वो समझ के आप प्रैक्टिस करते रहिए, तो आशा है कि बहुत जल्द आप अच्छे से ये चीज़ कर पाओगे। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। बहुत जल्द फिर मिलूंगी ऐसे कुछ और नया टॉपिक लेके। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत खुश रहिए। नमस्कार। We'll be uploading a new Kathak lesson on this channel every Monday. So subscribe, like, comment and share our videos and keep learning.